बन सकती है ये पूरा, अगर आप सुबह सुबह आओ करो बाइसेप बन सकता है। और कोई जिम करने का फायदा नहीं है, जिसको भी करना है किसी अंदाज में आए, तो हमारे यहाँ कोई बाल है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हम आए हैं गांव के खेत में और मूली उखाड़ने। ये देखो ये मूली उखाड़ रहे हैं, इधर लाओ मूली। और ये कह रहे हैं ये खाद की मूली है, ये खाद की मूली का कौन ही तरफ से भाई साले नहीं के दिमाग। अच्छा एक टूटा है और दो तो नहीं टूटे यार, ये टूट गया पकड़ा हुए बड़ी रही जो टूट गए, मतलब की मजा। और एक भी मूली एक हाथ की नहीं है, कह रहे हैं ये खाद की मूली है। देखो ये देसी मूली है यार, लाओ हम उखाड़ी मूली उखाड़ो कीचड़े में। कौन सा मूली उखाड़ो उखाड़ो? ये वाली मूली, ये वाली। अगर एक हाथ की नहीं निकली मूली तो बता दे। लो नापो 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 नापो, कितनी उखाड़ ले यार। और उखाड़ ये देखो गाइस, कोई भी मूली एक हाथ की नहीं। हमको बताए हैं कि मूली यहाँ पे एक एक हाथ की है, दो दो हाथ की है। मैं ट्राई करने वाला हूँ कितनी बड़ी बड़ी मूली आई है। ये तो छोटी भाई छोटी मूली की एक हाथ की भी नहीं है। अभी दूसरा चेक करते हैं, ये तो इससे भी छोटी मूली मिली है। लोग कह रहे हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी मूली है। और कौन सा ये वाला, ये तो और छोटी मिली है। तो चूतिया बना रहे हैं लोग, यहाँ कह रहे हैं इतनी बड़ी नहीं ये वाली ना, सब छोटी है भाई। गाइस आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए ये एक हाथ की कोई भी, इसमें से कोई भी मूली एक हाथ की नहीं है। ये बंदा जिसका खेत है वो हमको चूतिया बनाया है, हमको ही नहीं बहुत लोगों को चूतिया बनाया है। और ये गलत है, आप अगर मूली लेना आ रहे हो तो ना मत आओ, क्योंकि मूली बहुत छोटी है। आपको बड़ी लेनी है तो बड़ी लेने के लिए कहीं और संपर्क करें, छोटी लेनी हो हमसे संपर्क करें, ठीक है। चिल्ला रहे इतने बड़ी मुरई, इतने बड़ी मुरई उखाड़े के बाद पता लगा दिया। अब कुछ का हवा हुआ ना, बस यूट्यूब चलता बना ही तो बोल दी हम। जीन जीन मूली हेते हेते एक अंगूर अंगूर के चिल्ला रहे हैं एक हाथ के। या ये एक चिल्लौकी पड़ी बस, ये देखा चूतिया बना हुआ तुम्हें। अब बंदा है मतलब पौधा है इसका, पौधा है छोटा छोटा, इसको लगाने पे निकलेगा। ये देखो प्याज का अप डाल दे, ये का होए मांगी पूरा एकदम खेती खेती। और इस मेरे को दिखाता हूँ आप लोग को, गाइज हम आज गांव में आए हैं। गांव में क्या, अपने घर पे आए हैं और हम कोयर बाल रहे हैं। इसको देसी अंदाज में कोयर बालना कहते हैं। ये देखो ये है पैरा घास, और ये लगा रही है और हम बाल रहे हैं और देसी अंदाज में। इससे आपकी बॉडी बन सकती है ये पूरा, अगर आप सुबह सुबह आओ करो बाइसेप बन सकता है। और कोई जिम करने का फायदा नहीं है, जिसको भी करना है किसी अंदाज में आए, तो हमारे यहाँ कोयर बाल है। और पीछे इसे बॉडी बनाओ सब करो। घर के परेशानी गाइस, अब जा रहे हैं। आज दो दिन हो गया सोते सोते, जब से आए ट्रेन में बहुत सोए हैं। और आज जा रहे हैं चौराहे पे कुछ खाने, कुछ आपको दिखाएंगे नया। मैंने बहुत चीज़ यहाँ की वहाँ पे मिस की है लुधियाना में, बाकी यहाँ खाते हैं। और अब बाइक से निकल चुके हैं, पर ये गेहूँ है इसको रखना है जो कि पीसने के लिए, क्योंकि यहाँ तो भाई पिसाना पड़ता है तभी आटा मिलता है। ये तो है नहीं 10 किलो की बोरी पकड़ के ले आके खा लेंगे। बाकी इसको रास्ते में रख के फिर हम चौराहे पे चलते हैं, क्या खाते हैं। एक मेरे को वेज बिरयानी पसंद है बहुत, और रोल, ये तो दो चीज़ पक्का खाएँगे। बाकी और सब लेना है घर के लिए भी सामान। बाकी चलो निकल चुके हैं, अभी 5 मिनट लगना है पहुँचने में, तो बाकी आपको आगे पूरा ब्लॉग शूट करते हैं, पूरा दिखाते हैं क्या क्या। आप बने रहिए पूरे ब्लॉग। मैंने आपको बताया था कि हम आए हैं बिरयानी और रोल खाने के लिए। इस टाइम मेरा रोल बन चुका है और मैं बिरयानी खाने जा रहा हूँ, खाने क्या जा रहा हूँ मतलब ले लिया हूँ और खाने जा रहा हूँ। ये देखिए बस बिरयानी, मैं अकेले खाऊँगा, ये खाएँगे नहीं क्योंकि ये बोलते हैं मैं नहीं खाऊँगा, ये जिम करते हैं इसलिए नहीं खाते। बाकी मैं निकल रहा हूँ, बना रहे हैं, देखते हैं हमें खा के निकलना है क्या। तराजू 4000 मिले तो 8000 लगा।
पाँच मिल जाए सात लगाए थे बहुत कोशिश करें बात चार पे गाँव का बर्गर खा रहे हैं बहुत दिनों बाद उसका स्वाद वहाँ का स्वाद एकदम मस्त बना रहे हैं ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग में बने रहिए, आपको नेक्स्ट ब्लॉग और बेहतरीन और मस्त मिलेगा, हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।